नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। एक तरफ जिथे नगर कौशल चोणा जड़िया चरम सीमा पर चल रही हैं, हर पार्टी का नुमाइंदा अपने अपने तरीके अपने हल्के डोर टू डोर चोन प्रचार कर रहा है। लेकिन उत्थे ही गल करिए वार्ड नंबर 7 तो उम्मीदवार जड़े आ उन्होंने गल करते हैं कि लोगों को किहड़े मुद्दे लैके जा रहे हैं ते क्यों लोग उन्होंने वोट पाते किस चीज करके वो लोगों तो वोट मांग रहे हैं, गल करते हैं उन्होंने। नविंदर कौर जी, चोन दंगल पक्ष गया है, तुसी डोर टू डोर जाके वोट कंपेनिंग कर रही हो, लेकिन किना मुद्दों लैके तुसी लोगों के बीच जा रहे हो ते क्यों लोग तुहानू जिहड़े आ वोट पाउण लई? मैं डोर टू डोर गई हाँ और मेरे वर्क पावर नू देख के लोगों ने मैनु पसंद किया और मैनू फिर वोटा का वोट पा के कामयाब करे। मैं उन्होंने अपनी वार्ड के सब तो वध MLA साहब के संयोग के नाल काम करवाए हैं, जिमें सड़कों का, नालियों का, सीवरेज का, लाइटा का, पेंशन और ग्रांटा का काम पूरा कंप्लीट किया है। मैं उन्होंने MLA साहब का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैनू फिर ये मौका दिता है सेवा का। तो मैं उन्होंने यकीन दवानी हाँ कि हूँ मैं अपनी वार्ड के वध तो वध अगे नालों भी वोटा लैके और विकास का काम पूरा करांगी। मैं इस तो पहला आजाद उम्मीदवार लई सी, आजाद उम्मीदवार होने के बावजूद मैं 650 की लीड जित हासिल की सी और मैनू लोगों ने फिर मौका दिता है सेवा का। हूँ मैं वध तो वध विकास करांगी MLA के संयोग के नाल जिन्होंने मैनू चोन निशान पंजा दिता है। तो और मैं लोगों को अपील करती हाँ कि मैनू 14 फरवरी को वध तो वध पंजे का बटन नभा के वध तो वध वोटा पाओ और ता जो मैं ये जित MLA साहब की झोली च पावा और ताड़ी फिर सेवा का मौका मैनू देता है ते मैं अपने वार्ड के सब तो वध काम करा। मैं अपनी वार्ड के सड़कों का काम, गलियां, नालियां और टाइलां और स्ट्रीट लाइटा का काम पूरा मुकम्मल कर चुकी हाँ और सघन स्कीम और पेंशन और बुढ़ापा पेंशन का भी काम ये मैं सारे कागज सब दे कंप्लीट कर चुकी हाँ। इस दौरान पहला लॉकडाउन लगे थी तो उस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा थी, किस तरीके ना तुम सारे इसमें मैनेज किया थे लोग जरा तो विश्वास कर? हाँ जी, लॉकडाउन के अनुसार मैं MLA साहब के संयोग के नाल अपने घर के राशन तैयार करके लोगों को लंगर छकाया और MLA साहब के संयोग के नाल मैं घर लोगों के नाल राशन वंडिया और उन्होंने बहुत ही मेरी सहायता की और हर वर्ग नूं मैं पहल दे आधार ते उन्हां दे घर घर राशन पहुंचाया। लोग मैनूं इस करके वोट पसंद करते हैं और वध तो वध वोट मेरे वर्क पावर नूं देख के वो मैनूं वोट पाउणगे। इह साडे नाल होते होर भी महिलावां बैठियां जिन्हां कोल वोट अपील करन आईआं आ, किस तरह देखदे हो इन्हां नूं? साडे कोल वोट मंगण आईआं, क्यों तुसीं इन्हां नूं वोट पाउण जा रहे हो? देखो, अं इस तरह इन्हां नूं वोट पावांगे, ये 5 साल पहले आजाद उम्मीदवार खड़े सी, इन्हां ने 650 लीड वोट से लीड प्राप्त की आ। हुण इह 5 साल बाद पाड़ा साहब ने इन्हां नूं अपना चोन निशान पंजा दिता आ। अं कहने कि जिहड़े इन्हां ने पहला काम किए आ वह दोबारा फिर काम करन, जिहड़े रहिंदे काम आ वह पूरे करन। लोग इन्हां नूं बहुत पसंद करते आ, पसंद करन दे बावजूद लोग इन्हां नाल जुड़े हुए आ, जुड़े होण दे बावजूद मैं चाहुंदी आ कि इन्हां नूं वध तो वध वोट पा के इन्हां नूं फिर उम्मीदवार जिताउण ते ए उम्मीदवार जित के पाड़ा साहब की झोली विच पाउण ते साडे रहिंदे काम अधूरे जिहड़े ओह पूरे करन। मैं इन्हां नाल आ, साडा सारिआं दा संजोग जिहड़ा इन्हां दे नाल आ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ 1-2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਚੋਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਦ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾੜਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ
ब्यूरो दीपक ठंडाल कैमरामैन कंसम आदि विशेष रिपोर्ट।